आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ वो आपको ज़रूर एक बार यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अलग और यूनिक प्रोडक्ट है, और वो है लॉरियल की क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट के बारे में बता दूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसमें है सेंटेला एसेटिका, ये एक साइंटिफिक नेम है, बेसिकली ये एक प्लांट का नेम है जिसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स है। कोरियन स्किन केयर रूटीन में ये हद से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड स्किन को ब्राइटन अप करता है, और अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो उसे शीरिंग करता है, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम को जो काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। अगर आपके फेस में पिंपल्स या एक्ने के मार्क्स हो गए हैं तो उसे अच्छे से रिमूव करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारी स्किन के लिए। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो लग्जोरियस लुक बॉटल में आपको मिलेगी, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, ऑयली हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन वाले तो इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये एकदम लाइट वेट है, और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी वाटरी टेक्सचर है। ये स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होता है, जिससे स्किन ग्लो करने लगती है, ये स्किन में जल्दी से ऑब्जर्व भी हो जाता है। इसे आप कोई भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट हमें सीज़न के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, पर ये लॉरियल पैरिस की क्रिस्टल माइक्रो एसेंस आप हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे विंटर के सीज़न में यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करेगा। अगर आप समर में यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को रिफ्रेश, रेडिएंट एंड प्लम लुक देने में हेल्प करेगा। तो आप इसे कोई भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है ना, काफ़ी वाटरी होता है, ये स्किन में तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसे हम यूज़ कैसे करें और कब करें। सबसे पहली चीज़ है कि आप इसे जब भी यूज़ करें अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर ले। आप इसे डे एंड नाइट टाइम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि आप फेस को अच्छे से क्लीन करें कोई क्लींजर से या फिर कोई अच्छे से फेस वॉश से। उसके बाद आप 5-6 बूंद अपने हाथों में लें और अच्छे से उसे मिलाएं, और अपने चेहरे में अच्छे से उसे डैब डैब करके लगाएं। आप जैसे ही उसे लगाएंगे ना, वैसे आप फेस में देखेंगे कि आपके फेस में एक डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाएगी, स्मूथ ग्लोइंग, ऐसा लगेगा कि आपने हाइलाइटर यूज़ किया है। आप इसे एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम स्टिकी नहीं है, ऐसा ना कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी ऑयली स्किन है अगर यूज़ करेंगे तो स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वाटरी फॉर्म में होता है, ये चिपचिपा स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसे यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे ये कैसे ऑब्जर्व हो गया है आपकी स्किन में। ये आपकी स्किन के 10 लेयर तक जाकर डीपली पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डीपली रिपेयर होती है। ओवरऑल ये स्किन में अच्छे से वर्क करता है, ग्लोइंग और स्मूथ लुक देता है। तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, मेरे बोलने पे आप ना जाए, खुद इसे आप यूज़ करें तो आप देखेंगे कैसे आपके चेहरे में एक अच्छा सा चमक आ गया है। अगर आप इसे कंटिन्यू 7 दिन तक यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम थी फाइन लाइन रिंकल्स की या फिर एक्ने या उसके मार्क्स की, तो खुद ब खुद रिड्यूस होने लगी और आपके चेहरे में एक ग्लोइंग लुक आ गया है। अगर आप इसे बिफोर मेकअप यूज़ करते हैं तो आपको हाइलाइटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको सीरम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग मेकअप से पहले फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं, बट आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपको वो सब प्रोडक्ट यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और आप खुद अपने आप में डिफरेंस देखेंगे कि आपका स्किन कितना अच्छा हो गया है पहले से। रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है, स्मूथ बनती, स्किन आपकी चमकने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या लगाया जो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और स्मूथ हो गई है, और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएंगी। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करना हो हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे
DM कर सकते हैं। मैं Instagram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही।